आज के राशिफल में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वालों के लिए 9 सितंबर 2024 का दिन कैसा बीतेगा। सोमवार का दिन है, चंद्रमा आधे दिन रहेंगे तुला राशि में, उसके बाद चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। नक्षत्र भी ये दो पकड़ेंगे, वृषाखा और अनुराधा। तो संपूर्ण राशिफल और उपायों की चर्चा जो करेंगे हम, वो नक्षत्रों के आधार पर करेंगे। तो बने रहिए चैनल पे, अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के चंद्रमा की जो स्थिति है वो 11:30 बजे तक सुबह सातवें घर में रहेगा, यानी कि आपके जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लिक्विड करेंसी, डेली डेली इनकम के घर के अंदर रहेंगे। उसके बाद ये चले जाएंगे अष्टम घर में। तो अचानक लाभ की जो भी स्थितियाँ मिलेगी वो आधे दिन के बाद ही मिलेगी। आपका पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, काम के ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि आज का दिन इस टाइप का है कि आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा सुधार होता हुआ दिख रहा है। धन लाभ का योग बनेगा दोपहर के बाद, परंतु वो बहुत ही सीमित मात्रा में होएगा, जो आपको संतुष्टि नहीं देगा। मनोरंजन करने के भी मौके आएंगे, अच्छा रहेगा आपका मूड भी, परंतु आपका मन बीच बीच में उदास हो जाएगा कि लोगों की कही गई बातें आपको मानसिक तनाव देगी, जो आपको अंदर तक पीड़ा देगी। इस कारण से आप बाहर से तो बहुत प्रसन्न नजर आएंगे, परंतु अंदर से आप कुछ मन में चिंताएं चलती रहेगी। कैरियर में अच्छे मौके मिलेंगे आपको, कैरियर की दृष्टि से अच्छा है। कैरियर में अगर आपके उन्नति रुकी हुई थी तो उन्नति आपकी होगी। कुल मिला के देखें तो आपको अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए, लोगों की बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। वैवाहिक जीवन में सुधार है, सुखमय है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है, और जो लोग हायर स्टडी कर रहे हैं उनको हार्ड वर्क से ही परिश्रम का परिणाम अच्छा मिलेगा। आज के दिन की शुरुआत अगर देखें तो थोड़ी सी नीरस रहेगी, परंतु धीरे धीरे आपका समय यह सुधरेगा। वर्क प्लेस पे अगर आप जॉब में हो या व्यापार में हो, व्यापार में आपके कॉम्पिटिटर हावी होने की प्रयास करेंगे, और जॉब के अंदर आपके कलीग्स, आपके वर्क प्लेस के लोग बाग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, राजनीति हो सकती है। इसके कारण से आपको अपने शत्रुओं की गतिविधियों पर नियंत्रण बना के चलना है, साथ ही साथ अपने आप को शांति भी रखना है। लव लाइफ की बात करें तो नोक झोंक छोटी मोटी हो सकती है, उनको इग्नोर करके आप चलें, क्योंकि आज सबसे बड़ा मूल मंत्र है इग्नोराय नमः, यानी कि इग्नोर करते हुए चलिए, सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अब हम नक्षत्रों के हिसाब से देखते हैं कि कौन से नक्षत्र वालों को आज फायदा है। अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है और आपका नाम जन्म कुंडली के अंदर चू चो चो चा और ला इनसे शुरू हो रहा है, तो आपका अश्विनी नक्षत्र है, और आज आपको कोई भी नया कार्य शुरुआत नहीं करनी चाहिए, कोई खास खरीदारी नहीं करनी चाहिए, कोई खास डील भी आज आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नक्षत्रों के हिसाब से विशाखा नक्षत्र चल रहा है, जो कि आपको दोपहर तक रोक रहा है कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आप न करें, क्योंकि उस समय आपको बुध तारा का साथ है। कोई भी महत्वपूर्ण आपको कार्य करना है को अंजाम दीजिए। कोई बड़ी डील करनी है, खरीदारी करनी है, मीटिंग करनी है, तो फिर आपको जो ये अनुराधा नक्षत्र है, जो कि आपका मित्रवत नक्षत्र है, तो आपको महत्वपूर्ण कार्यों को दोपहर के बाद अंजाम दीजिए, आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। वैसे मेरी पर्सनल राय यह है कि आज आप कोई सभी कार्य स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि योग चल रहे हैं बेकार। एक वेदंत्री योग चल रहा है जो कि बहुत ही विनाशकारी होता है, दूसरा विषकुंभ योग चल रहा है जो भी श्रेष्ठ नहीं है, बस आपको तारा का सपोर्ट मिल रहा है, तो आप वेट कर सकते हैं, तो आप कर लीजिए। उपाय के रूप में विष्णु सहस्त्रनाम या हनुमान चालीसा का जाप आप अवश्य कीजिए, इसी से आपको फायदा होगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। बात करते हैं अब हम वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के चंद्रमा की जो स्थिति है वो आपके 11:30 बजे तक रहेगी छठे घर के अंदर, जो कि रोग ऋण शत्रु का है, तो आधे दिन आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। उसके बाद ये चंद्रमा चले जाएंगे सप्तम घर में, लाइफ पार्टनर के घर में, तो आपके दिन में थोड़ा सा सुधार होएगा। आज दो नक्षत्रों के अंदर चंद्रमा विचरण करेंगे, विशाखा और अनुराधा। मेरा ये राशिफल पूर्ण रूप से नक्षत्रों के गोचर के आधार पे है, और मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका जन्म किसी खास नक्षत्र में हुआ है तो आपके लिए कैसा रहेगा, और आपकी राशि वृषभ है तो वृषभ राशि वालों के लिए आज जो विशाखा नक्षत्र रहेगा वो तुला राशि के अंदर पड़ रहा है, विशाखा नक्षत्र, जो कि आपके 11:30 बजे तक रहेगा। तो 11:28 बजे तक आपको कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है तो आप रुक जाइए, आप मत करिए। कोई बड़ी डील कर रहे हैं तो रुक जाइए, किसी से मिलना है तो रुक जाइए, क्योंकि छठे घर का चंद्रमा है, विशाखा नक्षत्र है, साथ ही साथ वेद रहती योग भी है जो कि विनाशकारी होता है।
तो आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने हैं तो आप अनुराधा नक्षत्र में कीजिए। वैसे आज का दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए अच्छा नहीं है। काम की अधिकता आपके ऊपर अधिक रहेगी, हालांकि आपकी आर्थिक उन्नति यथावत चलती रहेगी। संतान की दृष्टि से आप सुखी रहेंगे, संतान का सुख मिलेगा और संतान बड़ी है तो संतान की प्रोग्रेस आज होगी। कैरियर के अंदर आपको मध्यम फली मिलेंगे, इसलिए आप किसी भी प्रकार की बेसब्री, जल्दबाजी और अधीरता न दिखाएं, धैर्य से आगे चलें। एक एक करके ही आपके कार्य शुरू होंगे और कार्यों के खत्म होने की गति या संपन्न होने की गति थोड़ी कम रहेगी। भाग्य भी आपके लिए मध्यम फलप्रद बना हुआ है। कोई नई शुरुआत, नया व्यापार स्टार्ट करना, पार्टनरशिप में व्यापार स्टार्ट करने की आपने पहले से प्लानिंग बना रखी है तो 11:28 के बाद ही स्टार्ट कीजिए। सबसे बढ़िया होगा कि आप अभिजीत मुहूर्त में करें, 11:50 से 12:40 के बीच में। वैसे आज योग जो चल रहे हैं वो वेदरति योग है, जो कि विनाशकारी योग है, जो 12:32 तक चलेगा। तो 12:32 तक का समय श्रेष्ठ नहीं है। धन की स्थिति आपके लिए सही है, सोच अपनी पॉजिटिव रखिए, अच्छे पॉजिटिव रहेगी आपकी सोच, रहा आप अच्छे कार्य भी करेंगे। इसके कारण से पारिवारिक संबंधों को सुधारने का आपका प्रयास पूर्ण रूप से सफल होएगा। स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मल है, कोई विशेष इनको उपलब्धियां नहीं मिल रही है, ठीक ठाक है। जॉब में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आपके वर्क प्लेस पे राजनीति हो, शत्रु आपके खिलाफ करें षड्यंत्र करें या आपके हायर अथॉरिटी को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं, ये संभावना बनी हुई है। इसलिए अपना कार्य अपडेट करके चलिए। नए जॉब के भी योग बने हुए हैं, जॉब में बदलाव के भी योग बने हुए हैं, परंतु जॉब में बदलाव अपने वर्क प्लेस की अनियमितताओं और असंतुष्टि के कारण जल्दबाजी में न करें, इस चीज का ध्यान रखें। आज की गृहगोचरी स्थिति इसी प्रकार की है कि आपका मन में उच्चाटन के भाव आ सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो बॉडी पेन या कोई चोट चपेट का डर बना हुआ है। अब एक चीज जिसकी मैं खास चर्चा आज करूंगी वो है कि अगर आपका नक्षत्र कृति का है, यानी कि आपका नामाक्षर वे और वू से शुरू होता है, तो आपके लिए आज का दिन खास नहीं है। और अगर आपका जन्म नक्षत्र रोहिणी है, रोहिणी नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, तो आपके लिए आज का दिन अच्छा बीतेगा। और अगर आपका नक्षत्र मृगशिरा है तो आपके लिए ये दिन ठीक नहीं है। ये तारा के हिसाब से बताया मैंने, उस हिसाब से रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए अच्छा है, सफलता दे मिलेगी उनको। अब एक चीज और है कि आज दो नक्षत्र चल रहे हैं, विशाखा और अनुराधा। साथ ही साथ ये जो विशाखा नक्षत्र है 11:28 तक आपके चलेंगे छठे घर में, रोहिणी के शत्रु के घर में, इसलिए आपको सावधानी रखनी है शत्रुओं से 11:28 तक। उसके बाद ये आपके सप्तम घर में आ जाएगा, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, अनुराधा नक्षत्र है, इसलिए आप शनि के मंत्रों का जाप करेंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी आज का ये उपाय है कि आप गाय की सेवा कीजिए, साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना और सूर्य की आराधना करना, आपको श्रेष्ठ परिणाम देखे जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम आप अवश्य ही लिखिए। बात करते हैं अब हम मिथुन राशि के। मिथुन राशि वालों के चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है आपके फिफ्थ हाउस और सिक्स हाउस में हो रहा है। आधे दिन तक फिफ्थ हाउस में रहेगा विशाखा नक्षत्र में, उसके बाद ये चले जाएगा सिक्स हाउस में अनुराधा नक्षत्र में। मेरा ये राशिफल पूर्ण रूप से नक्षत्रों के गोचर के आधार पे है और उसी आधार पे मैं उपाय बताऊंगी, क्योंकि जब भी हम नक्षत्रों के आधार पे उपाय करते हैं तो वो इस टाइप से होते हैं कि जिस घर में हम जा रहे हैं उस गृह स्वामी को प्रणाम किया तो उस घर में इज्जत मिली, उस घर में हमारे काम बना। तो उसी प्रकार से जिस नक्षत्र में चंद्रमा हो तो उसको प्रणाम करना बेहद जरूरी है। आज का जो चंद्रमा है आपका दो नक्षत्र ले रहा है, विशाखा और अनुराधा। विशाखा नक्षत्र गुरु का है, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना, गाय की सेवा करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगा। मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा आज रिस्की फैसले लेने का टाइम बना हुआ है, आप कोई रिस्की फैसला ले लेंगे, परंतु कॉन्फिडेंस आप में अच्छा है, आप रिस्की फैसले भी आज सही लेंगे। इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है या आप करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होएगा, आपके लिए दिन बढ़िया ही है। रुका हुआ धन भी आपके पास आता हुआ दिख रहा है, घर के अंदर या आपके जो लाइफ पार्टनर है उससे अगर आपने तालमेल बना लिया, घर में सुख शांति रख ली, तो आपके बहुत सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। आज घर में मेहमानों का आगमन भी हो सकता है जो आपको वहाँ पे भी टाइम देना पड़े। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में आज आप टाइम नहीं दे पाएंगे, अपने पार्टनर के पास मिलने जा नहीं पाएंगे, साथ ही साथ आज आपके ऊपर वर्कलोड भी काफ़ी अधिक रहेगा, इस कारण से फोन पे भी बात नहीं हो पाएगी इतने ज़्यादा।
करियर के हिसाब से मेहनत के अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ अचीवमेंट आपको हो रहा है। जॉब भी जिन लोगों की नहीं है उनको जॉब का भी कोई संदेशा आ सकता है। अचानक से कुछ अच्छे फल आपको आज मिलने वाले हैं, भाग्य का सपोर्ट भी है। हालांकि आपको अपने नाक और कान से संबंधित एलर्जी या दर्द या सर्दी जुकाम की शिकायत रह सकती है। यात्रा की भी भूमिका बनी हुई है, यात्रा हो सकती है, यात्रा भी लाभदायक रहेगी। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। जॉब के अंदर अगर आप हैं तो जॉब में आप अपनी पूरी मेहनत कीजिए, अपने काम को अपडेट रखिए, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का शॉर्टकट न अपनाएं और साथ ही साथ शत्रुओं की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण बनाए रखें। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट बना हुआ है, बहन भाइयों का साथ आपको मिलेगा, दोस्तों का भी साथ मिल रहा है, दोस्तों के संग घूमने फिरने का योग भी आपका बना हुआ है। तो मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन बढ़िया है। अब चंद्रमा की जो स्थिति है उस हिसाब से आपके आधे दिन तक करीब करीब 11:30 बजे तक ये चंद्रमा चलेंगे आपके संतान भाव में, लव एंड लव रिलेशन के घर के अंदर, प्रेम प्यार के घर में, साथ ही साथ शिक्षा के घर में। तो 11:30 बजे तक का दिन आपके लिए बढ़िया है। उसके बाद ये चले जाएंगे छठे घर में। जब ये छठे घर में जाएंगे उस समय आपको रखनी है सावधानी। अब नक्षत्रों के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आपका जन्म अगर मृगशिर नक्षत्र में हुआ है तो आज का दिन आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। और अगर आपका जन्म आद्रा नक्षत्र या पुनर्वसु नक्षत्र है आपका जन्म का, तो आपके लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। कुल मिला के आज वेधरती योग भी बन रहा है और विषकुंभ योग भी बन रहा है, दोनों ही योग खराब है। इस योगों में कोई सा भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, कोई भी मंगल कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि वेधरती योग चलेगा 12:32 तक। ये बहुत ही विध्वंसकारी योग है, कोई भी मंगल कार्य इस योग में नहीं करने चाहिए। उसके बाद आ जाएगा विषकुंभ, विषकुंभ भी विष का घड़ा है, जहर का घड़ा है, इसमें भी कोई भी मंगल कार्य नहीं करते हैं। तो आज का दिन किसी नई शुरुआत के लिए तो अच्छा नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। बाकी कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो 11:50 से लेके 11:50 तो नहीं, 12:32 से लेके 12:40 के बीच में कर लीजिए। 7-8-10 मिनट का टाइम है, इस समय आप कर सकते हैं। अब उपाय की चर्चा करें। आज सप्तमी तिथि है, सूर्य की आराधना करें, साथ ही साथ नक्षत्रों के हिसाब से आज विष्णु सहस्त्रनाम या गाय की सेवा या फिर शनि के बीज मंत्र या हनुमान चालीसा, इनमें से कोई से भी दो उपाय कर लीजिए, आपको इस नक्षत्रों के हिसाब से अच्छा फल मिल जाएगा। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।